गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम इन योर ईवीएस क्लास। बच्चों, कल हमने आपको पेज नंबर 21 में यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, फ्यूल्स फॉर कुकिंग फूड। हम फूड कुक करने में कौन कौन से फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, वो है, फर्स्ट है आपका केरोसिन। केरोसिन आपके गाँव में जैसे बोलते भी हो वैसे भी बोलते हैं मिट्टी का तेल, तो केरोसिन उसको बोलते हैं। दिस इज़ अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, लिक्विड होता है, एंड इज़ यूज इन केरोसिन स्टोव। जो हमारे स्टोव वगैरह होते हैं उनमें हम डालते हैं केरोसिन। इट नीड्स टू बी गिवन प्रेशर बाई पम्पिंग एयर इन इट। और उसको चलाने में हमें क्या करना पड़ता है, उसमें एयर प्रेस करनी पड़ती है, हमको ऐसे हवा डालनी होती है। इट गिव्स ए स्ट्रॉन्ग फ्लेम, और फिर उससे क्या है, तेज़ जो है वो जलने लग जाता है। कोल, दिस इज़ ए फ्यूल दैट बर्न फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। जो हम अंगीठी वगैरह यूज़ करते हैं उनमें हम कोल डालते हैं। इस बर्नड इन स्टोव्स, स्टोव में भी डलता है। मेड ऑफ आयरन, अंगीठी जो आयरन से बनी होती है, स्टोव वगैरह। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूजफुल, और ये बहुत यूज़ की जाती है। चारकोल, दिस इज यूजली मेड ऑफ वुड, ये वुड से बनी होती है। इज यूज इन स्टोव, अंगीठी एंड तंदूर, और ये तंदूर वगैरह जो भी बनती है उनमें यूज़ करते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, जो एलपीजी गैस आजकल हम गैस यूज़ करते हैं ना, गैस पे खाना बनाते हैं, उनमें जो सिलेंडर होते हैं उनमें एलपीजी गैस भरी होती है। दिस इज़ ए फ्यूल सप्लाइड इन सिलेंडर्स, सिलेंडर में भरी होती है। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विफाइड फॉर्म इज़ फिल्ड इन द सिलेंडर, और ये बिल्कुल लिक्विड होती है। एंड दे आर कनेक्टेड टू गैस स्टोव, और इसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, गैस से, थ्रू ए पाइप, पाइप के द्वारा पाइप लगाते हैं ना। वी शुड बी वेरी केयरफुल, और हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है वाइल यूजिंग देम, जब हम उससे यूज़ करते हैं। अगर पाइप में से थोड़ी सी भी लीक हो रही होती है अगर सिलेंडर में से, तो आग लग जाती है। नाउडेज इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज पाइपलाइंस ऑफ एलपीजी इज कनेक्ट टू द हाउसेज। अब क्या है, वहाँ जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बड़े बड़े सिटी हैं, वहाँ पाइपलाइन के द्वारा एलपीजी गैस भी जा रही है, उन्हें सिलेंडर यूज़ नहीं करना पड़ता। सोलर एनर्जी, सनलाइट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ हीट, सोलर एनर्जी में भी बनता है। तो वो सोलर एनर्जी में क्या है, सनलाइट जो हमें सूर्य से मिलती है। सोलर हीटर्स रन ऑन सोलर एनर्जी, उसके लिए हम सोलर हीटर यूज़ करते हैं। सोलर हीटर्स हैव मिरर्स, उसमें सोलर हीटर में क्या होते हैं, मिरर होते हैं विद देम विच रिफ्लेक्ट्स बैक हीट ऑफ द सनलाइट, जिससे क्या है, हीट होती है जो सन की वो बैक में रिफ्लेक्ट करती है, फॉलिंग ऑन देम, जो उस पर पड़ रही होती है। एंड दिस रिफ्लेक्टेड हीट फॉल्स ऑन द यूटेंसिल, और यही जो हीट होती है, रिफ्लेक्टेड हीट होती है, ये किस पे, जो यूटेंसिल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं उसके अंदर, उस पर, प्लेस्ड इन द हीटर, जो हीटर के अंदर रखे हुए होते हैं, जैसे इसमें ये रखा हुआ है तो इस पर रिफ्लेक्ट हो रही है हीट। एंड दस फूड इज कुक्ड, और फिर क्या है, फूड जो हमारा इसके अंदर होता है वो कुक हो जाता है, पक जाता है। ओके, आज आपका चैप्टर ये थर्ड वाला कंप्लीट हो रहा है। कल हम इसकी सारी एक्सरसाइज कराएंगे। आज आप अपने द्वारा, मतलब ये सारा इसी एक्सरसाइज सारी बुक में से ही है, अपने आप करके देखेंगे। कल फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, और फिर आप अपनी बुक से हमारी वाली को मैच करना। ओके, थैंक यू।